का डाउट होगा कि ट्रैक पर बजा रहे हैं, इसमें क्या कहिएगा? तो इस बाजे को मैंने खरीद लिया, मतलब किसी से कर्जा वर्जा लेकर, और एक समय में मेरे हमारे लिए कुछ भी नहीं था, मतलब खाने का भी ठीक नहीं था। थे मेरे घर में मेरे पापा बजाते थे और वो सिखाते थे, मतलब हम सीखे तो नहीं है हम। नमस्कार, मैं हूं कंचन कुमार और आप देख रहे हैं फोकस न्यूज लाइव। अभी हमारे साथ मुन्ना जी जुड़ चुके हैं और मुन्ना जी से कुछ सवाल करेंगे। ये जो है रिदम कीपैड बजाते हैं और रिदम कीपैड ऐसा बजाते हैं कि लगता है जो टेंशन में इंसान रहते हैं वो टेंशन, अगर रिदम सुनिएगा तो टेंशन जो है खत्म हो जाता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। इनका जो है मैं धुन सुन के टेंशन में जब मैं रहता हूं तो इनका धुन सुनता हूं तो टेंशन मेरा गायब हो जाता है। इसी बात को लेकर मुन्ना भाई से मैं छपरा जिला में मैं आ गया और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये कैसे बजाते हैं और कहाँ से स्ट्रगल करके कहाँ सीखे। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जितने भी फोकस न्यूज को देखने वाले हैं सभी को प्रणाम, और आज हमारे बीच आए हुए हैं और मेरे वीडियो को बहुत देखते हैं और इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोग हैं सिर्फ कलाकार को इंटरव्यू करते हैं, मतलब जो, और मैं सोचता हूँ कि जो तबला बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, उन लोगों को होना चाहिए, क्योंकि वही ये लोग हैं तभी तो कलाकार गाते हैं ना, है ना। तो मैं सोचता हूँ, लेकिन अच्छा लगता है कि मेरा इंटरव्यू चलता है और मुझे अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं ये जो सिंगर, जब सिंगर गाना गाती है तो उसका जो चेहरा है सामने आता है तो उसको दिखाने की प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सिस्टम रहता है, बजाने वाला कलाकार सब रहते हैं, उनको दिखाया नहीं जाता है, केवल कि हेडिंग पर, पन्नों पर हेडिंग रहता है, वही दिखा के रह जाता है। इसमें क्या कहिएगा आप? देखिए, पहली बात कि हम मंच पे बड़े बड़े कलाकारों के पास मैं इसलिए नहीं बजाने के लिए जाता हूँ, ताकि मतलब पीछा में हम बैठते हैं और दो शब्द कलाकार के लिए बोला नहीं जाता है कि आज आप सबके बीच में बहुत अच्छे आर्टिस्ट पियानो वादक आए हुए हैं या तबला वादक आए हैं। परिचय देते नहीं हैं बड़े बड़े कलाकार, सिर्फ अपने भाषणबाजी करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम ही तानसिंह बन गए हैं, हम बहुत बड़ा बलवान बन चुके हैं, है ना। तो वो भैया सिर्फ देखिए गाने गाने वाले हैं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा अगर कोई तारीफ ना करे तो पैसा भैया 2000-3000 कमाने से क्या फायदा। मेरे लिए तो ऑडियंस ही भगवान है, मुझे लोग देखते हैं बस उन्हीं लोगों से हम खुश रहते हैं। अच्छा, ऐसा आप बजाते हैं यही बुझाता है कि से जान ला देते हैं, आखिर कैसे है? आप लोग को सुनाने की हम प्रयास करवाएंगे, थोड़ा बात करते हैं कि जान अगर बजाते हैं तो जान आ जाता है शरीर में, एकदम जो माइंड घूमने लगता है, डोलने लगता है, ऐसा क्यों? देखिए, बजाने वाले तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, देखिए पहनता कोई कोई है, झमकाता है कोई कोई है, ये तो आपने सुना ही होगा। देखिए मैं बजाता नहीं हूँ, मैंने सीखा भी नहीं हूँ यार, लेकिन देखिए होता क्या है कि जब हम बजाते हैं तो मतलब मधुर में, मतलब हम इसी में मगन हो जाते हैं, और जो भी दिखाते हैं पब्लिक को तो उन्हें अच्छा लगता है। थोड़ा वो स्टेप बजाइए तो जो लाखों है दीवाने वाला हम सुने थे, उस पर तकरीबन जो है 5 मिलियन तकरीबन वो वीडियो चला है और वो हम बार बार वही गाना हम रिपीट करके सुनते थे हेडफोन लगा के, बहुत अच्छा लगता था वो, थोड़ा दर्शक को सुनाइए। अच्छा, आप भी मतलब उनके जैसा फरमाइश कर दिए भारत के? नहीं, वो गाना का ट्रैक जो है इतना अच्छा हमको लगा है, कुछ कहने लायक नहीं है, अगर बयां करे तो कम है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लगा, आप लोग देख रहे होंगे इतना मस्त साउंड क्वालिटी भी आ रहा है। अगर यह फिर से सुनाते हैं, सुनिए। ना उसको कर दीजिएगा। Thank you.
तो सुन लिए आप कैसा म्यूजिक लगा, हमको तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग का कैसा लगता है कमेंट जरूर करिएगा। और मुन्ना जी आपका ये जो रिदम देख रहे हैं लोग, कुछ लोग का डाउट होगा कि ट्रैक पर बजा रहे हैं, इसमें क्या कहिए? देखिए कहने का मतलब कि लोग बहुत कुछ बोलते हैं और इस बाजे को लगभग रोलैंड एक्सप्रेस 10 है, मतलब हमको देखकर इतने लोग खरीदे हैं, लगभग 50,000 लोगों ने इस बाजे को, मतलब मेरे बजाने को देखकर इस बाजे को खरीदे हैं, है ना। तो ट्रैक हम थोड़ी बजा रहे हैं, देखिए देखिए यहाँ पे आवाज है पियानो का, दिल छू लेते हैं, जैसा आवाज निकलता है ना बुझाता है कि दिल छू लेता है। और मुन्ना जी कहाँ से सीखे आपको हाथ में इतना जादू, कैसे लिया है? देखिए सीखने की बात है, मेरे घर में मेरे पापा बजाते थे और वो सिखाते थे, मतलब हम सीखे तो नहीं है, हम झूठ क्यों बोले, पापा मतलब हमको मारते थे बताते थे, और भैया का योगदान रहा, भैया हमारे लिए गुरु समान है और वही हमको मतलब घुमाते थे गवाते थे। और इस बाजे को नहीं होता है कि मेरे लिए लकी साबित है, है ना। तो मेरे एक समय में मेरे हमारे लिए कुछ भी नहीं था, मतलब खाने का भी ठीक नहीं था, और इस बाजे को मैंने देखा कि कोई भाई इसको बजा रहे हैं, तो इसमें ढोलक तबला का ऑप्शन दिया था, तो मैंने दिमाग लगाकर उनके पास गए और बोले कि भैया कितना का है, तो उस समय में इसका दाम 37,000 रुपया था। तो इस बाजे को मैंने खरीद लिया, मतलब किसी से कर्जा उर्जा लेकर, और इस बाजे को जब हम खरीदें वहीं से मेरे लिए लकी साबित हुआ और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। तो देख सकते हैं बहुत मेहनत किए हैं, कड़ी मेहनत करने के बाद जो है इतना मकाम हासिल किए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका एक चैनल भी है मुन्ना बिहारी धुन के नाम से है, और देख सकते हैं कि प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन आ चुका है और कहीं ना कहीं चर्चित चेहरा है ये। अगर नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि चर्चित चेहरा मुन्ना जी है। मुन्ना जी और कुछ बताइए अपने बारे में, कितना एजुकेशन है, क्या? देखिए पढ़ाई तो मैंने जैसे भी किया, इतना ना गरीबी हालात था कि हम क्या बताएं, और बहुत गरीबी हालात था हम लोगों का, और पढ़ाई मैंने किया है, बस मैट्रिक मैंने किया है, 10th class मैंने पास किया, और हमको पहले से ही जुनून था कि मुझे पढ़ना है, मुझे एक अच्छे आदमी बनना है, ठीक है। तो सब कुछ हमें लोग कोई पढ़ा भी नहीं पा रहे थे, तो पढ़ाई भी किए, लड़के लोग को भी पढ़ाए। दूसरी बात है कि मैंने देखिए हम सोचे भी नहीं थे कि हम यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे इतने सारे फॉलोअर हो जाएंगे, इतने सारे हो जाएंगे, लेकिन मतलब गरीबी को झेलते हुए माँ सरस्वती ने हमको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है हमारे ऊपर उनका, देख सकते हैं। और अभी जो है स्टूडियो भी चालू कर दिए हैं इनका, जो है पहले मैं वीडियो देखता था तो उस समय जो है से सही में बता रहे हैं, जो गरीबी सिचुएशन था उस समय, जो भैया आपका जो पीछे का जो बैकग्राउंड था वो टाटी उटी का था, एक बार आपका जो है किसी ने चैनल भी इनका भैया का हैक कर लिया था, तो बहुत रो रहे थे, पछता रहे थे, बहुत रो रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए तो भैया कैसे कैसे वो डील हुआ। देखिए पहले होता था क्या कि पहले लोग चैनल पे स्ट्राइक मारते थे, एक मैं ही नहीं हूँ, सनातन डांसर भी होंगे उनका भी सुने होंगे, बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक मारा जा रहा था पहले, और यूट्यूब पहले अंधे के टाइप से काम कर रहे थे, किसी को पहचानते नहीं थे, है ना, और जिसको रिपोर्ट किया जाता था उसका यूट्यूब मतलब झूठा आरोप जो है ना लगा दिया जा रहा था और टेक डाउन वीडियो करा दिया जा रहा था। तो पहले ऐसा ऑप्शन था, लेकिन अब के डेट में ऐसा नहीं है, हम लोग सब लोग CMS नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और पहले किसी को नॉलेज नहीं ना होता है, उतना नॉलेज पहले नहीं था, अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी उस तरीका से आपको, हाँ जैसे जैसे मतलब हुआ वैसे वैसे मतलब हम लोग अपना अच्छा से काम करने लगे, नेटवर्क से जुड़ चुके हैं और अच्छा से काम चल रहा है। अच्छा मुन्ना जी, भाई बहन आपके परिवार में कितना सदस्य? मेरे भाई बहन में मतलब वही 10 परिवार हैं। आपका शादी होगी? हाँ हो गया। बच्चे उच्चे हो गया?
तो मुन्ना भाई का जो है शादी हो गया और देख सकते हैं कितना स्माइल चेहरा है। आप लोग आइएगा तो बहुत ही इज्जत और रिस्पेक्ट से बात भी करते हैं और बैठाते हैं। और थोड़ा स्टूडियो का थोड़ा लोकेशन घुमा दीजिए कैमरा मैन से, हम कहूँगा कि स्टूडियो दिखाने का प्रयास करिए। और स्टूडियो जो है बहुत अच्छे से बनाए हैं और एसी फुल एसी उसी लगा दिए हैं और कहीं ना कहीं जो अपना कड़ी मेहनत और लगन से इतना मुकाम हासिल किए हैं। तो अभी जो है पेमेंट वेमेंट अच्छा खासा आता है? देखिए पहले पहले जो पेमेंट आती थी, अभी शॉर्ट वीडियो जब से आया है तब से सभी सभी लोग यूट्यूबर का हालत ख़राब है। और पहले लॉन्ग वीडियो था, पहले लॉन्ग वीडियो था तो उस पर अच्छा से चल रहा था, सभी लोग का अच्छा अर्न हो रहा था। बट अभी दिक्कत है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी तो चलना है ना। अगर कम हो जाए तो फिर क्या, मैं काम नहीं करूँगा, काम तो करना ही मुझे। हमारा सबसे बड़ा यूट्यूब फैमिली है, उन्हें दिखाना है और उन्हीं से मेरा घर द्वार चलता है ना। अच्छा, पहले भैया बताइए, जो यूट्यूब पर आप नॉलेज नहीं था उस समय आप क्या काम करते थे? हाँ एकदम राइट पूछे हैं। पहले देखिए हम क्या करते थे, बैंड हो जाता था, ऑर्केस्ट्रा होता था, उसमें बजाने के लिए जाते थे, गाते थे, गाते तो बहुत अच्छा थे है ना। तो उस समय हम बजाने के लिए जाते थे, वही मुझे मिलता था 1,000 रुपया, 1,000, 1,500 ऐसे रुपए मुझे मिलते थे पहले है ना। तो उसी में जाके अपना बस लगन आया, बस वही काम करते थे। कहीं ना कहीं है जो YouTube आपके लिए भगवान बन के वरदान बन के आया और इतना फेमस भी कर दिया और पैसा भी कुछ कमा रहे, अर्न कर रहे हैं ना? एकदम हमारे लिए नहीं, बहुत सारे गरीब जितने भी आदमी थे उनके लिए एक मसीहा बन के यूट्यूब आया। मेरे लिए तो छोड़िए, बहुत सारे व्यक्ति के लिए मतलब उन्होंने यूट्यूब सपोर्ट किया है ना। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने ऐसा ऐसा काम किया और आपके वजह सभी लोग का मतलब घर चल रहा है और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, नौकरी से अच्छा पैसा कमा रहे हैं अभी के डेट में। अच्छा मुन्ना जी, ये बताइए, आप जो स्टूडियो खोले हैं तो बाहरी कोई लड़का या लेडीज कोई गाना गाने के लिए आएगा तो क्या उसको सिंगिंग करवाते हैं? एकदम एकदम, मैं मेरे स्टूडियो में जी सभी लोग को मतलब हम गवाते हैं। तो अपना एड्रेस जो है इसका बता दीजिए ताकि कांटेक्ट करे आपसे, नए नए सिंगर उभर रहे हैं वो शायद गाना गाना चाहेंगे तो एड्रेस बता। देखिए मेरा एड्रेस है, पहले किसी जितने भी दूर से आते हैं, पहले छपरा जिला हुआ और छपरा से वहाँ से बोला जाए कि मुन्ना बिहारी जी के पास जाना है तो छपरा में मतलब किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा तो गरखा कहाँ पे पड़ता है, गरखा बाजार, वहाँ पे आके मतलब मेरा नाम पकड़ लेने के बाद में कोई व्यक्ति बता देगा। एक आध दो गो और सुनाना दीजिए बढ़िया सा, हमारे ठीक है, ऑडियंस देख रहे हैं आप। वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप लोग को कैसा लग रहा है? बार बार हम कह रहे हैं यहाँ पर आप बैठिएगा ना तो इतना अच्छा लगेगा, दिन कब गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। देखिए अब रह गई बात कि अब यहाँ पे बजाते हैं क्या, मंच पे हम बजा सकते हैं कि नहीं, रहता है लोग ना कि एक बजा से मंच पे बजा सकते हैं कि नहीं, वहाँ पे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं।
लेकिन मेरी गारंटी है कि हम जितने भी कलाकार हैं एक ही वजह से हम बजा सकते हैं, गवा सकते हैं। अच्छा मुन्ना जी ये बताइए, जो आपको कोई पार्टी फंक्शन में बुलाएगा काम करने के लिए, ये बजाने उजाने के लिए, जाइए। देखिए हम जाते हैं ठीक है, लेकिन हम लोग वहाँ पे 10 आदमी का टीम जाते हैं। अब 2 आदमी हम बजाने के लिए जाएंगे और बुला लेगा फोन करके, मेरा बजवा छीन लेगा या मुझे मार दे, तो हम 2 आदमी नहीं जाते हैं, पूरे फुल टीम के साथ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग करते हैं, इसके कारण हम लोग अकेला नहीं जाते हैं ठीक है। मेरा टीम होता है वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मेरा कलाकारी देखना है कि हाँ आप अकेला बजा के हमको दिखाइए, तो मैं दिखाऊंगा वहाँ पे, जो मेरी कलाकारी यूट्यूब पे है वो चीज़ मैं दिखाऊंगा। कहीं ना कहीं भाइया का बात सत्य सत्य है, क्योंकि ये फेमस चेहरा है और हम लोग के पास यूट्यूब, कोई ये वो थोड़ी है, बॉडीगार्ड थोड़ी है रखे हैं कि और इनके पास बाउंसर भी नहीं है जो अकेले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, समय का दोष कहीं भी कुछ हो सकता है समझे, क्योंकि यूट्यूब पर जो है बहुत फेमस चेहरा है और काम भी अच्छे तरीके से करते हैं। अगर आप लोग को बर्थडे हो या पार्टी, किसी शादी विवाह फंक्शन हो, तो टीम आप बुक कर सकते हैं, तो टीम का कितना चार्ज कर सकते हैं भैया? अब चार्ज तो भैया अभी क्या है, फिर बाद में क्या होगा है ना, तो वैसे ही बढ़ते रहता है घटते रहता है ना। अब शादी का कैसा है, फिर दूसरा दूसरा फंक्शन का कैसा है, कितना दूरी है, उस हिसाब से हम लोग पैसा लेते हैं। यानी कि दूरी के रेंज के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। एकदम एकदम तो दूरी जितना रहेगा उस रेंज के हिसाब से, क्योंकि खर्च होता है, किराया होता है, टीम का खर्च होता है, एस्टूमेंट खर्च होता है, बहुत सारे बात है, और खर्च के कारण जो है अमाउंट बढ़ जाएगा। तो आप लोग को चाहिए तो भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आप बताना दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी है मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मुन्ना बिहारी धुन पे है, मुन्ना स्टूडियो लाइव पे है, मेरा नंबर ऑलरेडी दिया गया है उस पे, लोग जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा नंबर। तो इनका चैनल पर जाकर देखिए, मुन्ना बिहारी करके धुन है, और वहाँ से नंबर आप लेकर कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। और गाना बजाते हैं, एक और गाना सुन लीजिए। देखे कितना अच्छा बजाते हैं भैया जो है, सो एकदम स्ट्रगल किए हैं, बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल किए हैं, तब जाके इतना जो है मुकाम हासिल हुआ है समझे। तो भैया और कुछ हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। और क्या बताएंगे, देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप इंटरव्यू मेरा करते रहिएगा, और फोकस न्यूज़ के जितने भी लोग देख रहे हैं और इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट का मतलब इंटरव्यू इसी चैनल पे चलने वाला है ना, तो आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, धन्यवाद आप सबको। जैसे भैया ने बताया, सब रियल बात बताए हैं, और इन पर जो है से पूरा आर्टिस्ट का जो है एस्टूमेंट का भी है, इस पर इंटरव्यू चलेगा, तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।